आज हम बाइक टूर पे निकले हैं और हमारा सफ़र जो है वो पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हैं इसमें है इस्लामाबाद तक। इस्लामाबाद बहरिया टाउन में हम जाके स्टे करेंगे, वहाँ से फिर हम बाइक पकड़ेंगे और बाइक को फिर हम शिमाली इलाका जाती सैर करेंगे। सॉरी मुझे सुबह नींद आ रही है, रात को हम सो नहीं सके थे तो थोड़ी सी नींद गाड़ी में भरी हुई है, बाकी इंशाल्लाह अगले भी व्लॉग में मैंने आपको बड़ा फ्रेश दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम अगेन, मैं हूं सरवर सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और डे वन की इवनिंग में हम बहरिया टाउन अपने दोस्त हबीब साहब के घर आ चुके हैं और बल्कि उनके घर से उनके रिट्रीट हाउस आ चुके हैं। रिट्रीट हाउस रहाइशगाह हबीब इलाही साहब की है और ज़बरदस्त किस्म का फार्म हाउस है। हबीब साहब यहाँ पर आते हैं जब उन्हें खुद के साथ बैठना हो, और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर हमारे कुछ साथी भी, उनसे भी आपकी बात। सूरज डूब रहा है और हम डूब गए हैं देखते देखते इस मेहनती जफाकश किसान का काम देखते हुए। ये शख्स एक मेहनती शख्स है, इसने अपने हाथों से ये सारा फार्म हाउस सजाया है। ये बहुत कीमती शख्स है और मेहनत में अजमत है। मैं ये बताना चाहता हूँ ये किसान नहीं है, ये हबीब इलाही साहब हैं जिनकी नेम प्लेट आपको एंट्रेंस पे दिखाई थी, ये बताते खुद ये हैं कि अजमत मेरी फुफी का नाम है। एक राउंड लगाए थे आपको, ये फार्म हाउस दिखाते हैं जल्दी जल्दी। ये खूबसूरत फार्म हाउस के मालिक वही एक किसान जिनकी फुप्पी का नाम अजमत है, इनकी अजमत को सलाम इतना खूबसूरत फार्म हाउस बनाने पे। तो रात हमारा स्टे था यहाँ और अब हम करने लगे हैं बकायदा आगाज अपने बाइक टूर का। आइए बाइक टूर का जी बकायदा आगाज होने लगा जिस बाइक में हम जा रहे हैं वो है और रिबन का है जो काटनी है हमने। और ये है वो शख्स जो वो चार पहियों वाली बाइक पे जाएंगे, इनकी बाइक पे दिखा दें, ये इस बाइक पे जा रहे हैं और हम दो लोग जो हैं वो इस बाइक पे जा रहे हैं। सर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आला है, आला नहीं सर जी, मुलाकात होती है आपसे एक ही जगह पर, दो मुख्तलिफ जगहों से जाया जा रहा है, ये वहाँ पर पहले पहुँच जाएंगे लेकिन हम जरा घूम के इनके पास पहुँचेंगे। अब देखते हैं कि इनको हम कितने दिनों तक कैच करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच इंशाल्लाह। ये हबीब साहब हैं, ये अस्लान साहब हैं और सफदर साहब, और ये हमारे जनाब अली हीरो जनाब हादी साहब, और एक दो तीन चार पाँच छः लोग, चार गुमराहों में एक हिदायत याफ्ता, चार गुमराहों में एक हिदायत याफ्ता। और ये बाइक टूर भी है और ये एक कार टूर भी है, और कार टूर वाले हजरात ये हैं और बाइक टूर वाले हजरात एक मैं हूँ और एक जो मूवी बना रहे हैं और पैदल वाले भी आ रहे हैं बीच। चले Thank you.
सेंटर वाली में बैठ जी। तो जुनेद साहब, इस वक्त हम कौन से पॉइंट पर मौजूद हैं, कहाँ जा रहे हैं? इस वक्त हम कश्मीर व्यू पॉइंट पर मौजूद हैं और बहुत ही खूबसूरत और बगैर अल्फाज के बयान अनबयानेबल। और इस जगह का क्या नाम है? ये कश्मीर व्यू पॉइंट है ना, कश्मीर व्यू पॉइंट। आए फिर आदरा कश्मीर व्यू पॉइंट दिखाए इनको व्यू। ये देखें, अगर खुदकुशी करनी हो और अच्छी मौत मरनी हो तो आप यहाँ से कूद सकते हैं। इस मौत का आपको हैरान नहीं होगा, ये खुदकुशी हैरान नहीं होगी आपसे। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। जी सुरमा साहब, कौन सी जगह है ये? ये मैं आपको ले आया हूँ जनाब मरी में, और सबसे पहले मैं आपको मरी माल रोड से घुमा के कश्मीर पॉइंट दिखा के लाया हूँ। कश्मीर पॉइंट के बाद ये आपको पीआईए पार्क दिखाने के लिए लेके आया हूँ। आज मेरे साथ साथ बातें भी करते हैं और साथ साथ पीआईए पार्क को भी देखते हैं कैसा बना होगा। थ्री स्टेप ऊपर है ये मैं फर्स्ट स्टेप ऊपर चढ़ गई हूँ। किधर बैठ रहे हैं? आगे सीन दिखाए ना, इतना खूबसूरत सीन है। बैठने भी नहीं देते तुम, आ जाओ फिर। देखो फिर क्या सीन है, सीन हो ना। उस रोड से हम ऊपर आए एक्सप्रेस, मरी एक्सप्रेस। लो जी, नतिया गली बाजार से हम गुजर रहे हैं और गहमा गहमी बाजार में मौसम बड़ा मज़ेदार और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अब हम किधर जा रहे हैं बड़ा भाई? नमली मेरा वाटरफॉल और मेरान जानी वाटरफॉल, ये हम आ रहे हैं मरी गलियात से होते हुए जिंगा गली से आगे। हम पहले आ गए हैं नतिया गली बाज़ार में, जबकि बाज़ार से पहले ही ये रोड ऊपर जाती है, लेकिन हमने क्योंकि फ्यूल भरवाना था तो फ्यूल भरवा लिया। और अब हम आपको ये भी दिखाएंगे कि वो कौन सी रोड है जो ऊपर जाती है, क्योंकि अक्सर लोग जहाँबाद की तरफ से आ रहे होते हैं मरी की तरफ, तो उन्होंने जाना होता है लेकिन उनको वो मोड़ याद नहीं रहता या एक जैसे रास्ते होने की वजह से वो भूल जाते हैं।
तो अब हम आपको दिखाएंगे कि कहां से आपने टर्न लेना है निमली निमली वो मेरा वाटरफॉल। नाम बड़ा इमली इमली सा जी, बहरहाल जो भी है नाम में क्या रखा है, वाटरफॉल है एक। अब ये सीधी रोड जा रही है मरी, लेकिन हम यहाँ से लेफ्ट हो गए, ठीक है जी, मरी से लेफ्ट हो गए हम। और ये साइन बोर्ड भी अगर जुनेद आपको दिखा सके, यहाँ पे मुख्तलिफ साइंस लगे हुए हैं जहाँ से इंडिकेशन भी मिल जाती है आपको, गवर्नर हाउस, नथिया गली टाउनशिप, केपी हाउस, ठीक है जी, लालाजार पार्क भी यहाँ पे है, मेरान जानी और निमली मेरा वाटरफॉल इधर ही है। जबकि हमने अब्दाबाद जाना है तो अब्दाबाद जाने के लिए हम वापस भी आएंगे, तो अब चलते हैं। तो फिर अब हम निमली मेरा वाटरफॉल के लिए नीचे उतर रहे हैं और काफी उतराई है, और ये वापसी पे पता चलेगा जब हमें चढ़ाई पे वापस आने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। तो फ्रंट कैमरा आप जुनेद करें ताकि रास्ता भी हम दिखा सकें, बड़ा एडवेंचरस वे है। चलो जनाब, तो ये हमने अब फ्रंट कैमरा कर दिया है ताकि जो हम नीचे उतर रहे हैं ये रास्ता भी आप देख सकें और एंजॉय कर सकें, मज़ेदार रास्ता है। और ये अब कुछ गाड़ियां नज़र आना शुरू हो गई हैं जो पार्किंग में लगी हुई हैं, सो देखते हैं क्या सीन है आगे। आप किधर रुकी क्यों है यहाँ पर आपने? चढ़ाई बहुत थी भाई, क्या करे, तो बाइक जवाब दे रही है? जवाब नहीं दे रही, बस ठीक है, फिर ऊपर जाएगी। रेस्ट दे दिया आपने, इसने हमारा बहुत ज्यादा साथ देना है, तो ये ऊपर चली जाएगी, आपको उम्मीद है? हाँ जी बिल्कुल जाएगी, और अगर ना गई तो आपके साथ क्या किया जाए? चलो ठीक है, चलो फिर चले, जब आप पैदल जाएंगे मैं इस पर जाऊंगा फिर चली जाएगी। नहीं फिर आप जाए, फिर इतना खतरनाक रास्ता है, ये ऊपर जा रहे हैं हम, अभी 2-3 मिनट का कहा गया है लेकिन हमें पता लग जाना है, कोई 10-15 मिनट लग जाएंगे। और ये देखें पथरीला रास्ता, जहाँ पर बाइक का चलना ना मुश्किल सी नामुमकिन सी बात है, लेकिन हरमन सुल्तान साहब का जिगरा जो ये बाइक अगली ब्रेक उतर जाओ। ये देखें जी इतना पथरीला रास्ता, कभी धूप निकल रही है कभी छाँव हो रही है, और ये सिस्टम है जनाबे वाली, ये देखें जनाब, बाइक को तो साथ लेके जाना है हमने, ऐसे थोड़ी बाइक छोड़ देंगे, बाइक लेके जाएंगे साथ। स्टैंड पे लगाएं जी। समर साहब कहाँ तक पहुँच गए? निमली मेरा आबशार देखने के लिए आए थे, उसको पार करते हुए टॉप पे आ गए। यहाँ से आपको नीचे का सारा सीन दिखाया जा सकता है, और यहाँ पे कुछ भाई काम कर रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अच्छा ये बताएं ये मेरान जानी वाटरफॉल कहाँ पे? मेरान जानी वाटरफॉल ऊपर टॉप है, टॉप पे टॉप है, उधर भी पानी आता है वाटरफॉल, ये पानी है ना। तो ये यहाँ पे ये रास्ता है ऊपर बाइक का जाने का? रास्ता है तकरीबन आगे पे पैदल जा रहे हैं ना, तकरीबन आधा घंटा रास्ता पैदल है, फिर पैदल का भी है, पैदल का लोग जाते हैं, लोग जा रहे हैं। ज्यादातर यहाँ पे फोर व्हीलर जाती होंगी ऊपर, है ना, फोर व्हीलर सादी गाड़ी जाती है ऊपर? सादा गाड़ी नहीं जाती, सिर्फ वो फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर ये फोर व्हीलर ऊपर जाती है, और बाइक मुश्किल ऊपर जाती है, लेकिन हम ऊपर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ पे फिर पैदल है आधा घंटा, ये बता रहे हैं इनका आधा घंटा है, हमारे तो 2 घंटे होंगे, 2 घंटे। आप यहाँ से एक सीन दिखाएं फिर वापसी का सफर करते हैं।
भाई जान, ये सामने, ये सामने कौन सी है, ये वादी है, ये सामने, ये सामने कौन सा इलाका है? इधर सामने कलाबाग नजर आते है, नथिया गली नहीं है सामने? ये नथिया गली, नथिया गली से आते है। और ये जेस्टर नाम है, जेस्टर। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सरना साहब, ये बाइक कहाँ पे चुरा ली है? ये देखें जरा, ये किस किन पहाड़ों में लेकर आ गए हैं। वो ऊपर से आ रही है और पिकनिक पॉइंट बना हुआ है, लोग बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो बड़े स्टोर चाहिए और नीचे चलते हैं, नीचे से भी सीन देखते हैं ऐसा लगता है। Hey Sarvasa, what are you doing right now? Thanda hai pani? Thanda hi hoga aur garam hoga. Aapki akal mein pani pad gaya hai. जी जनाब, कैसा लगा फिर? बहुत मज़ा आया जनाब, वाटरफॉल का पानी पिया भी है और खुद को दो बार नहलाया भी है, और जो दिमाग में जो गर्मी थी ना लाहौर की, वो दो बार सर के आगे सर करने से थोड़ा ठंड प्रोग्राम हुआ।